दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। शारदा यूनिवर्सिटी काफी एडवर्टीजमेंट्स आपने जगह जगह देखे होंगे। इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में स्थित है, यूपी में यूनिवर्सिटी बनी हुई है। यूनिवर्सिटी कैंपस की हम अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी बोलती है अभी हमारे पास 63 एकर्स में कैंपस है, अर्बन में बना हुआ है ये पूरा कैंपस। और इस यूनिवर्सिटी की बात करें 2009 में यूनिवर्सिटी शुरू हुई और लगभग इस यूनिवर्सिटी को आज 13 साल हो चुके हैं चलते हुए। इस यूनिवर्सिटी के पास और भी कई सारे अप्रूवल्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी चलाती है। यूजीसी पर यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान में चलती है वो सभी यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड होती है, क्योंकि यूजीसी जो है वो यूजीसी ही रेगुलेट करता है सभी यूनिवर्सिटीज को जितनी भी हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज चलती है। शारदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जब आप विजिट करते हो, हालांकि बहुत सारी डिटेल्स आपको वहां से भी मिल जाती हैं, बट बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो इनकी वेबसाइट से इजीली आपको मिलेगी नहीं। शारदा यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, क्या क्या कोर्सेज करवाती है, यूनिवर्सिटीज कब एस्टेब्लिश हुई, यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे, ऐसे कई सारे डाउट्स आपके दिल में आते हैं। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से लगभग सभी डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हम इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते हैं और आपके जो भी सजेशंस होते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी पर या कोर्सेज पर, हम उस पर वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। हम बात कर रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा आप समझिए, जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी बनी 2009 में। 13 साल लगभग इस यूनिवर्सिटी को चलते हुए हो गए हैं। एज पर द रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रदीप कुमार गुप्ता हैं और साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं शिवाराम खारा। यूनिवर्सिटी का 63 एकड़ में टोटल कैंपस है, अर्बन में ये कैंपस बना हुआ है और यूनिवर्सिटी को यूजीसी जैसे कि सभी मान्यता मिलती है। जब यूजीसी उसको मान्यता देता है तो यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल है। दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटियों से, यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें, विवेक से काम लें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हवाले से एडमिशन कभी भी ना लें। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, ये भी हो सकता है एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। जैसे और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी की साइट पर, वैसे ही ये यूनिवर्सिटीज भी लिस्टेड होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टीजमेंट्स को देख के, बहुत बड़े कैंपस को देखकर आप ये अनुमान बिल्कुल ना लगाएं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी। आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट जरूर करना चाहिए। शुरुआत करते हैं यूजीसी से। यूजीसी पर आप चेक कैसे करेंगे इस यूनिवर्सिटी की? सबसे पहले जैसे ही आप ugc.ac.in आप डालते हैं और वहां पे एंटर करते हैं तो यहां पर खुलता है पूरा इंटरफेस एक यूजीसी की वेबसाइट का। आप यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे, वहां पर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है क्लिक करेंगे, उसके बाद में नीचे सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश पर आप क्लिक कीजिए। उत्तर प्रदेश पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो टोटल उत्तर प्रदेश में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल यूपी में 33 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आप यूजी साइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में कि शारदा यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करती है। तो शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप देख पाएंगे 25वें नंबर पर, 25th नंबर पर इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स मेंशन है। यूनिवर्सिटी 2009 में बनी और साथ में ही जैसे ही आप 25 नंबर पर जाकर जब मोर डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सब डिटेल्स इस यूनिवर्सिटी की मिल जाती है। वाइस चांसलर प्रोफेसर शिवराम खारा, साथ में रजिस्ट्रार जो इन्फॉर्मेशन है वहां पर है मिस्टर विवेक कुमार गुप्ता, ये है इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार। अब बात आती है यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं या कौन कौन से यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है। दोस्तों अप्रूवल को जानने से पहले तो आप ये समझिए कि यूनिवर्सिटी के पास जनरली जो एक मेजर जो कोर्सेज चलते हैं वो कोर्सेज कौन कौन से हैं।
जो कोर्सेज बोलते हैं वो बोलते हैं शारदा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब यूनिवर्सिटी डिप्लोमा बीटेक एमटेक जैसे कोर्सेज को करवाती है। शारदा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, मतलब कि बिजनेस स्टडीज जो कोर्सेज होते हैं, बीबीए करते हैं आप, एमबीए करते हैं, वो सब कोर्सेज करवाते हैं। शारदा स्कूल ऑफ डिजाइन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, मतलब डिजाइन, जैसे कि बी डेस्क पर हमने वीडियो बनाई है, बी डिजाइन पर, साथ में हमने बी आर्क पे भी वीडियो बनाई है, प्लानिंग कोर्सेज पर वीडियो बनाई है, उन सबसे आपको पता चल जाएगा कौन से कोर्सेज होते हैं ये। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, ये कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी करवाती है, जैसे कि आपने कई बार देखे हो ड्रामा में या बाकी सब चीज़ों में स्टूडेंट्स अलग तरह से कोर्सेज करना चाहते हैं, तो कोई भी अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो भी ये यूनिवर्सिटी करवाती है। दोस्तों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ना लेना वो सब आप पर डिपेंड करता है, पर मैं आपको बता दूं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ उसके लुभावने एडवर्टीजमेंट को मत देखिए, यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट कीजिए, जाकर देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस, देखिए हॉस्टल में जाइए, फैकल्टी मेंबर्स से जाकर मिलिए, हो सके तो पुराने स्टूडेंट्स से जाकर मिलिए, तभी आपको समझ आएगी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऐसे तो सभी यूनिवर्सिटी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देती हैं एडमिशन लेने के लिए। फिलहाल हम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करती है। साथ में यूनिवर्सिटी के पास है शारदा स्कूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी LLB LLM करवाती है, यूनिवर्सिटी के पास 3 साल और 5 साल कोर्सेज चलते हैं, यूनिवर्सिटी के पास BCI का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, हालांकि अप्रूवल्स के बारे में ज्यादा कुछ साइट पर मिला नहीं। शारदा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, यूनिवर्सिटी जो BA BCOM जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, BA BCOM MA MCOM BSc PCM PCB ये सब कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है। स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज, आप अगर BDS करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी वो कोर्स करवाती है। शारदा स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ एंड साइंसेज, ये भी कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, रिसर्च में आप ये भी समझ सकते हैं दोस्तों, जो PhD करते हैं आप लोग वो रिसर्च में आता है, और जब भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है और जब अपना प्रपोजल किसी भी स्टेट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट को या UGC को जाके प्रपोजल देती है, तो उसमें ये लोग मेंशन करते हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी होंगे जो यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट डिप्लोमा UG PG इस तरह के सभी कोर्सेज करवाएगी, और साथ में ही हम लोग PhD भी करवाएंगे, इस तरह का प्रपोजल इनका होता है, तो सब कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। स्कूल ऑफ फार्मेसी, मतलब यूनिवर्सिटी बी फार्मेसी डी फार्मेसी एम फार्मेसी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है, अगर यूनिवर्सिटी के पास PCI को फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अगर यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है तो बिल्कुल ले सकती है। स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो आप BEd करना चाहते हो BEd कर सकते हो, BPed कर सकते हो, स्पेशल BEd के लिए तो एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना होता है, उस पर भी हमने वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, BSc एग्रीकल्चर बहुत डिमांडिंग कोर्स है, वो यूनिवर्सिटी ये कोर्स करवाती है, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, तो ये वीडियोस भी आपको कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप इन सब वीडियोस के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज करवाती है, बहुत सारे अप्रूवल्स के बारे में बोलती है, ये भी बोलती है बहुत सारी कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी में, पर मैं आपको बता दूं कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप तब तक अच्छे से समझ नहीं पाओगे जब तक यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट नहीं करोगे और वहां पर चीजों को खुद फिजिकली जाकर आप देखेंगे नहीं, ऐसे ही किसी के बहकावे में, किसी की बातों में या लुभाव में एडवर्टीजमेंट्स को देखकर सिर्फ आप एडमिशन कभी ना लें, अपने विवेक से काम लें, ऐसा ना हो कि कल फीस देने के बाद आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाए। कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं आपके दिल में इस यूनिवर्सिटी को लेकर, आप सवाल पूछ सकते हैं, और साथ ही अगला वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज, किस कोर्स पर देखना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे और आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम लेकर आते हैं आपके लिए वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।